हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता करेंगे और पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, जो फर्स्ट चैप्टर होता है जीके का, हिमाचल जीके का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे जेवीटी एंट्रांस आ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जेवीटी टेट के लिए, कमीशन के लिए, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है बेसिक चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश की है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति और जिले जिले के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें स्थिति और जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिमाचल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो हिमाचल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और अचल। ये आप सभी को पता है, हिम और अचल दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आचल या फिर अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो इन दोनों से मिलकर बना है, हिम प्लस अचल का अर्थ होता है बर्फ से, बर्फ का पर्वत या फिर बर्फ से घिरा घिरा पर्वत। बर्फ से घिरे पर्वत को क्या बोलते हैं हम, हिमाचल। क्या बोलते हैं, हिमाचल। तो हिमाचल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बर्फ से घिरा हुआ पर्वत या फिर बर्फ का पर्वत। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं, फिर मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पश्चिम हिमालय पर्वत श्रृंखला में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश किस श्रृंखला में बसा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे बोलेंगे कि पश्चिम हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये बसा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं की कुल लंबाई कितनी है, जितनी भी हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है तो इसकी सीमाओं की लंबाई कितनी है, 1170 किलोमीटर। ठीक है, जो दक्षिण में उसके हिमाचल हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, पूर्व में तिब्बत और चीन, तथा दक्षिण पूर्व में क्या है, उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई जो हम बात करें, ये चौड़ाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 270 किलोमीटर। ठीक है, अब पंजाब जो राज्य है, जो पंजाब एक राज्य है, उसकी हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा राज्यों की, हिमाचल के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ क्या लगती है, इसकी जो बाउंड्री है वो स्पर्श करते हैं, छूती है। कौन कौन, अब हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का लगभग 1.7% के करीब है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% हिस्सा है, कितना, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैप देख लेते हैं। अब मैप से पहले कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, ये पहले मैप ही देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं जूम करती हूँ, ये है हिमाचल का मैप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारा चाइना तिब्बत, ये है पंजाब, और ये है हरियाणा, ये है उत्तराखंड, और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है, फिर भी हम इसको काउंट करते हैं, ये पंजाब है एंड जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं चाइना की जितनी भी किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ जितना भी बाउंड्री बनती है, उसकी टोटल कितनी कितनी किलोमीटर है, 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है। ठीक है, इतना समझ आया, कितने राज्यों के साथ लगती है हमारी सीमा। तो अब हम देखते हैं, एक हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक है, यूके, उत्तर प्रदेश यूपी, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। अब हरियाणा आ गया, हरियाणा, और दूसरा है हमारा पंजाब, पंजाब आ गया, और जम्मू एंड कश्मीर क्या है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर हमारी है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और एक कितनी हुए हमारे, 1 2 3 4, फोर हमारे क्या हो गए, राज्य हो गए, एक हमारी हो गए केंद्र शासित प्रदेश जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, और एक है हमारा चाइना यानी तिब्बत, ये हो गई हमारी कंट्री। तो एक कंट्री के साथ लगती है सीमा हमारी हिमाचल प्रदेश की,
और एक जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, और चार राज्य हैं कौन कौन से हमारे, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को हुआ था इसका गठन, और 15 अप्रैल को क्या है, हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। अगला कंसेप्ट है 1948 से 1951 तक जो हिमाचल प्रदेश है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, क्या था, मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कब से कब तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, तो 1948 से 1951 तक। ठीक है, फिर 51 से 56 की बात आती है, 1951 से 56 पर जो हिमाचल है वो ग श्रेणी का राज्य था। किसका, ग श्रेणी का राज्य, कब से कब तक था, 51 से 56 तक। आगे 56 से 71 तक जो हिमाचल प्रदेश क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं 25 जनवरी 1971 को इसको क्या मिल गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और ये एक राज्य बन गया था, और हिमाचल जो हमारी कंट्री है भारत का 18वां राज्य के रूप में ये राज्य बना था। ठीक है, 18वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 15 अप्रैल 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, आगे है हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्य कितनी नदियाँ बहती हैं, 5 नदियाँ यहाँ पर मुख्य हैं, चिनाब, राबी, व्यास, सतलुज और यमुना। अगर हम यमुना सतलुज की बात करते हैं, सतलुज जो है सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और अगर जल ग्रहण या फिर जल घनत्व की बात करें तो चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी, बड़ी होती है जिसका जल घनत्व ज़्यादा होता है, और लंबी होती है जो लंबाई में ज़्यादा होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कौन सी है लंबाई में, सतलुज, और जो बड़ी नदी है वो कौन सी है, चिनाब नदी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने राज्य जिले हैं, वो हैं 12 जिले। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जो है कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है। अगर हम जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लाहौल स्पीति है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 13,841 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। सबसे दक्षिणी जो ज़िला है वो सिरमौर है, मैंने आपको बताया। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 40% जो है, 40% है वो जनजातीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा ज़िला है वो है हमीरपुर, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,118 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ जो सीमा बनाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनती है वो 200 किलोमीटर है, वो मैंने पहले बता दिया था आपको, और इसकी चौड़ाई 270 किलोमीटर है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.85% जो है लाहौल स्पीति ज़िले में पड़ता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वन वाला क्षेत्र है वो सिरमौर है। ठीक है, यहाँ पे कितने 49.03% जो वन पाए जाते हैं, और सबसे कम जो कुल क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन जो है वो लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 1.41%। ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश के जो पेड़ की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ के वन पाए जाते हैं, किस चीज़ के पेड़ पाए जाते हैं, वो चीड़ या फिर कई क्षेत्रों में उसको चील भी बोला जाता है। ठीक है, वो कितने प्रतिशत, 25.6% क्या है, चीड़ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की राज्य पक्षी की बात की जाए तो है जजुराना, या फिर इसको जुजुराना भी बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बर्फीला तेंदुआ, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका, और जो सिरमौर में ज़िले में है, और जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोबिंद सागर झील जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। हिमाचल का क्या अर्थ होता है, बर्फ़ से घिरा हुआ पर्वत। जो हिमाचल प्रदेश की जो कुल सीमा है वो कितनी है, 1,070 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 270 किलोमीटर, और इसका कुल क्षेत्रफल है 55,600
73 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैप की बात की जाए, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और कितने 4 राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है, एक देश के साथ लगती है और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला चाइना का जो एरिया है, चाइना के साथ जो भी बॉर्डर बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये 200 किलोमीटर की है टोटल। और अगर हम सबसे दक्षिणी की बात करें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में क्या है, सिरमौर है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और मेन चीज़ें इसमें हैं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, कांगड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो लाहौल स्पीति है, और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के आधार पर वो है हमारा हमीरपुर। हमीरपुर सबसे छोटा है, 1118 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर बात करें कि करते हैं कि जो कुल क्षेत्रफल का 24.85% जो है वो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, वो सिरमौर में पाए जाते हैं, और सबसे कम वन पाए जाते हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। सबसे अधिक एक कंसेप्ट और है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वो धर्मशाला में होती है, और सबसे कम स्पीति में होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।